मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का, और इसमें आज हम आपसे बात करेंगे 10वें वीडियो लेक्चर पे, जो कि संबंधित होगा आपके अध्याय 5 का से। इससे पहले जो है 9 वीडियो क्लास अपलोड किए जा चुके हैं। 9वां क्लास जो आपका था वो दुष्प्रेरण से संबंधित था, अध्याय 5 जो कि अबेटमेंट, और वहाँ तक सेक्शन 120 कंप्लीट है। आप क्रम में इसे देखिए। आज डिस्कस करेंगे अध्याय 5 का पे, जिसमें सेक्शन 120 ए जिसका संबंध है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी, एंड सेक्शन 120 बी जिसका संबंध है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। 120 ए और 120 बी पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और ये हमारी परीक्षा के लिए दोनों सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहली चीज़, अध्याय 5 का हम देख रहे हैं आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। अच्छा, आपराधिक षड्यंत्र को इंडियन पिनल कोड में अपूर्ण अपराध माना गया है, यानी इनक्वेट डिफेंस कहा जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो क्लास में बताया था कि इंडियन पिनल कोड 3 चीज़ों को अपूर्ण अपराध मानती है। पहला था अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, दूसरा था प्रयत्न अटेम्प्ट यानी, और तीसरा था क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। इन्हें अपूर्ण अपराध माना जाता है। बेसिकली जो आपराधिक षड्यंत्र है ये हमारे मूल संहिता 1860 में शामिल नहीं था, इसे 1913 में अध्याय 5 का के अंतर्गत सेक्शन 120 ए और 120 बी जोड़ करके शामिल किया गया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 120 ए में हम डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। यह धारा प्रावधानित करती है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी किसी प्रकार की कॉन्स्पेरेसी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ये क्वेरी होती है कि आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, फुलस्टॉप। यह धारा प्रावधानित करती है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, तो अवैध शब्द को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 43 में परिभाषित किया गया है, ये आगे भी हम टिप्पणी लिख देते हैं। कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई वैध कार्य अवैध साधनों या रीति से करने के लिए सहमत होते हैं, तो इस तरह का सहमत होना ही आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा यानी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी कहा जाएगा। तो बड़े ही साधारण शब्दों में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपराधिक षड्यंत्र वास्तव में है क्या। फिर से सुनिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। यह धारा प्रावधानित करती है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई वैध कार्य अवैध साधनों या रीति यानी तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं, तो इस तरह का सहमत होना ही आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। अतः यह धारा दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किए गए करार जो कि अवैध कृत्य से या वैध कृत्य जो अवैध साधनों द्वारा किया जाना अपेक्षित हो को षड्यंत्र होना घोषित करता है। ये ऊपर जो लिखा है इसका स्पष्टीकरण है, फिर से ध्यान से सुनिए। अतः यह धारा यानी 120 ए की बात की जा रही है, दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किए गए करार जो कि अवैध कृत्य से या वैध कृत्य जो अवैध साधनों द्वारा किया जाना अपेक्षित हो को षड्यंत्र घोषित करती है यानी कॉन्स्पेरेसी घोषित करती है। इस धारा का उद्देश्य अपराध को जिसके लिए अपराधी सहमत हुए हैं निवारित कर देना है। अतः इस धारा का संबंध निवारणात्मक है। अतः यह धारा निवारणात्मक है, या इस धारा नहीं, यह धारा।
अतः यह धारा निवारणात्मक है। यह धारा मूल रूप से संहिता में समाहित नहीं थी, इसे सन 1913 में अध्याय 5 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ से भी क्वेरी होती है कि अध्याय 5 का जो है भारतीय दंड संहिता में कब जोड़ा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा 1913 में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत दो सेक्शन शामिल किए गए 120A और 120B। आइए अगले पॉइंट पर। यहाँ पे हमने नोट के अंतर्गत अवैध शब्द की परिभाषा लिख दिया है और इसको भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आता है कि अवैध कार्य या वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा। तो अवैध शब्द की जो डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड में है वो सेक्शन 43 में दी गई है, तो ये नोट में आप लिख लीजिए। अवैध शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में दी गई है। धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द उस हर बात के लिए लागू होगा जो अपराध है, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। यानी अवैध शब्द उस हर बात के लिए लागू होगा जो अपराध है, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। और इसकी डेफिनेशन कहाँ है, तो सेक्शन 43 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है, तो ये नोट आपका लिखा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे सेक्शन 120A यानी आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख वादों के बारे में बात करेंगे, कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ये केस जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे नज़र रखेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केस जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर आपराधिक षड्यंत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो दूसरा व्यक्ति स्वतः ही अपराध से मुक्त हो जाएगा। इसका कारण ये है कि कम क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो इसको आप नोट करिएगा, CBI बनाम BC शुक्ला 1989 का मैटर था। CBI बनाम BC शुक्ला 1998 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां पर अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हो कि दो अभियुक्तों में से एक षड्यंत्र में शामिल था तो दूसरे के विरुद्ध भी षड्यंत्र का अपराध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि षड्यंत्र में कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो ये वाद आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में कई जगह पे पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CBI बनाम BC शुक्ला 1998। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट वाद भी आपका आपराधिक षड्यंत्र से यानी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी से जुड़ा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी दिल्ली NCR, राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम नवजोत संधू 2005 के मामले में अफजल गुरु को धारा 302 यानी हत्या के लिए दंड, 109 दुष्प्रेरण के लिए दंड के साथ पठित धारा 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के अधीन मृत्यु दंडादेश दिया गया। फिर से देखिए, राज्य बनाम नवजोत संधू 2005 के मामले में अफजल गुरु को धारा 302 109 के साथ पठित धारा 120B के अधीन मृत्यु दंडादेश दिया गया। यह मामला संसद पर हमले से संबंधित था, यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यह मामला संसद पर हमले से संबंधित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायित्व के साथ साथ षड्यंत्रकारी अपने द्वारा षड्यंत्र के फलस्वरूप कारित भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष कार्यों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया था कि आपराधिक षड्यंत्र के दायित्व के साथ साथ षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र के दरमियान जो भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष कार्य होते हैं उनके लिए भी पर्सनल रूप से जिम्मेदार होगा या दायी होगा या उसके लिए दोषी होगा। आइए अन्य वाद देखते हैं। ये आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अन्य प्रमुख वाद आप देखेंगे, इसमें ये अगला वाद है महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ 1996 सुप्रीम कोर्ट का मैटर था,
इसे मुंबई बम ब्लास्ट के मामले के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ 1996 सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इसे मुंबई बम ब्लास्ट मामले के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित था, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी से संबंधित मामला था। इस मामले में अभियुक्त की जीप से RDX बरामद हुआ था, जिसके विरुद्ध टांडा के अधीन आरोप लगाया गया था। टांडा क्या है? ये एक आतंकवादी विरोधी कानून है, आतंकवाद विरोधी कानून है, जो 1985 से लेकर 1995 तक प्रभावी रहा। और ये आतंकवाद विरोधी कानून के संबंध में अब तक का सबसे शक्तिशाली कानून था, लेकिन इसे मई 1995 में समाप्त कर दिया गया है। तो टांडा के अधीन आरोप लगाया गया था, RDX का उपयोग भले ही ना किया गया हो, तब भी उसके विरुद्ध अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का आशय था। तो ये वाद आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ 1996 सुप्रीम कोर्ट, इसे मुंबई बम ब्लास्ट के मामले के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मैटर था, और इस मामले में अभियुक्त की जीप से RDX जो कि एक विस्फोटक है बरामद हुआ था, जिसके विरुद्ध टाडा के अधीन आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि RDX का उपयोग भले ही ना किया गया हो, तब भी उसके विरुद्ध अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का आशय यानी इंटेंशन था। इसके अलावा कुछ और वाद हैं, इनको हमने लाइटली लिख दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बस इन वादों का संबंध जो है आपराधिक षड्यंत्र से यानी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी सेक्शन 120A और सेक्शन 120B से है। केहर सिंह बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन 1988 का मैटर था। दूसरा है तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी एवं अन्य। तीसरा है लाल सिंह बनाम गुजरात राज्य। चौथा है नज़ीर खान बनाम दिल्ली राज्य। और पाँचवा है कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो इनको आप लाइटली ध्यान रखिएगा। ये नलिनी एवं अन्य ये मैटर था 1991 में, जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 में, 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो उस मामले में नलिनी और इसके साथ 6 लोगों को, जिसमें मुरुगन नाम का व्यक्ति जो इसका पति था, और नलिनी के साथ इसका पति एवं 5 अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दी गई थी, लेकिन सोनिया गांधी जी की अपील पर मृत्यु दंड को जो है उम्र कैद में बदल दिया गया था। तो ये मामला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी यानी 120A 120B लागू हुआ था। तो ये वाद आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न वाद का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है, या आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित प्रमुख वाद कौन कौन से हैं। इसमें आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र का दंड, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो ध्यान रखिएगा, यही दोनों सेक्शन हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर पूछते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, तो 120A, और आपराधिक षड्यंत्र का दंड तो 120B। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष अथवा उससे अधिक के कठोर कारावास, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष अथवा उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के लिए इस संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 में कोई अभिव्यक्त नहीं है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण यानी अबिटमेंट किया है। बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, 2 चीज़ें इसमें हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष अथवा उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है, और इसके संबंध में IPC में कुछ मेंशन नहीं है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण यानी अबिटमेंट किया है। और दूसरा पॉइंट इसी सेक्शन का है कि जो कोई उपयुक्त से भिन्न, तो उपयुक्त से भिन्न से मतलब है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 से अधिक के कठोर कारावास, तो जो कोई उपयुक्त से भिन्न आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास, जो कि कठिन या सादे प्रकार का हो सकता है, जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है
कि यदि ऐसा अपराध जिसके लिए 2 वर्ष से कम की सजा दी गई है तो वहाँ पे जो दंड होगा, जो षड्यंत्र के लिए दंड होगा, वो अधिकतम 6 माह होगा या जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका सेक्शन 120A और 120B कंप्लीट होता है जो कि आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित था। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।